Students, good morning. Welcome to ABN Online Classes. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Let's start today computer science class. Student, in last class, we have completed our chapter number 2 in information practices, that pandas first. Now we start chapter 3, data handling using pandas. हम लोगों ने क्या किया था, second chapter जो study किया था pandas में, introduction of pandas first में, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, pandas data structure को study किया. फिर pandas में हम लोगों ने series और data frame data structure को study किया था. अब हम डेटा फ्रेम से आगे का प्रोसीजर है वो चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे. इन दिस चैप्टर लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल बी वर्किंग विद द मोर एडवांस फीचर ऑफ डेटा फ्रेम. इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम के एडवांस फीचर से स्टडी करेंगे. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा फ्रेम पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या होते हैं, डेटा फ्रेम में रो एंड कॉलम ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, उसके एडवांस ऑपरेशन को स्टडी करते हैं, लाइक सॉर्टिंग डेटा. डेटा फ्रेम में जो डेटा है उसको हम सॉर्ट कैसे करेंगे, सॉर्ट का मतलब उनको एक ऑर्डर में कैसे सेट करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में. आंसरिंग एनालिसिस क्वेश्चन यूजिंग द डेटा, और उसके बाद में हम डेटा पे क्वेरी करेंगे, क्वेरी करके उसका आंसर हम कैसे पुट अप करेंगे. क्लीनिंग डेटा, डेटा को क्लीन कैसे करना है, क्लीन का मतलब हो गया अनवांटेड डेटा को हमें कैसे डेटा फ्रेम से रिमूव करना है. अप्लाइंग डिफरेंट यूजफुल फंक्शन ऑन द डेटा, और उसके अलावा और एक्स्ट्रा कौन कौन से ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिनको हम डेटा फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको स्टडी करेंगे. ओके, तो टू अंडरस्टैंड द एडवांस फीचर वी टेक एन एग्जांपल. फर्स्ट दैट इज केस स्टडी. लेट अस कंसीडर द डेटा ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन यूनिट टेस्ट हेल्ड इन स्कूल. यानी किसी स्कूल में क्या हुआ, 3 यूनिट टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, और हर स्टूडेंट्स के 3 यूनिट टेस्ट के हम लोगों ने मार्क्स को टेबल की फॉर्मेट में सेव कर रखे हैं. फॉर ईच यूनिट टेस्ट द मार्क्स स्कोर्ड बाय द ऑल स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज रिकॉर्डेड. यानी हर स्टूडेंट क्लास में, हर स्टूडेंट ने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स अचीव किए हैं, सेकंड में कितने किए हैं, हमने उसको क्या किया है, एक सब्जेक्ट वाइज एक टेबल की फॉर्म में इनको कंटेन कर रखा है. द सब्जेक्ट्स आर मैथ साइंस सोशल साइंस हिंदी एंड इंग्लिश. ये हमारे पास में सब्जेक्ट है मैथ साइंस SST हिंदी और इंग्लिश है. We assume that there are 4 students in class and the tables are below the marks of unit test first, second and third. यानि हम assume करते हैं कि हमारे class में total number of 4 students हैं, और 4 students ने तीनों unit test दिए हैं, और तीनों unit test में हर subject के marks हैं, उनको हम लोगों ने क्या किया, table के format में arrange कर दिया. तो ये तो गया हमारा case study. अब इस case study पे क्या करेंगे, ये chapter जो complete है, ये जो हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास सेकंड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी केस स्टडी पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे. एडवांस ऑपरेशन है वो भी यहीं पे हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं. ओके, तो आज लेटेस्ट केस स्टडी में हमारे पास में क्या है कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स के एक मार्क्स के टेबल क्रिएट किए हैं. किसी स्कूल में 3 यूनिट टेस्ट कंडक्ट किए गए, यूनिट टेस्ट फर्स्ट, यूनिट टेस्ट सेकंड और यूनिट टेस्ट थर्ड, और क्लास में 4 स्टूडेंट है. 4 स्टूडेंट्स ने हर सब्जेक्ट में मैथ साइंस SST हिंदी और इंग्लिश में जो मार्क्स अचीव किए उनको हमने क्या कर दिया, टेबल की फॉर्मेट में अरेंज कर दिया. जैसे आपको टेबल शो हो रखी है स्क्रीन, नेम स्टूडेंट्स के नेम है रमन का फर्स्ट टेस्ट में मैथ्स के मार्क्स हैं, साइंस SST हिंदी इंग्लिश, उसी तरीके से सेकंड टेस्ट के मार्क्स हैं, फिर थर्ड टेस्ट के मार्क्स हैं, फिर जुएर के तीनों टेस्ट के मार्क्स हैं, फिर ऐश्वर्य के तीनों टेस्ट के मार्क्स हैं, फिर मिस्टी के तीनों टेस्ट के मार्क्स हैं. ये तो हमारे पास क्या हो गया, केस स्टडी हो गया, यानी हमारा एक क्वेश्चन हो गया. अब क्या करते हैं, लेट्स स्टोर द डेटा इन डेटा फ्रेम. अब क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने टेबल क्रिएट की है मार्क्स के, जो रिजल्ट की जो टेबल क्रिएट की है, इस टेबल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं. तो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था सेकंड चैप्टर में, जब भी हमें पेंडास को काम में लेना होगा तो सबसे पहले पेंडास को हमें क्या करना है, इम्पोर्ट करना है. तो उसके लिए स्टेटमेंट हम लिखेंगे इम्पोर्ट पेंडास एज ए PD. यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंडास को इंपोर्ट करेंगे. तो इसलिए हम लोग लिखा इंपोर्ट पेंडास एज ए PD. यानी पेंडास को हमने इंपोर्ट कर लिया. पेंडास का भी इंपोर्ट होगी जब आपके सिस्टम में पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल होगी. आपके सिस्टम में अगर पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल है तो आप डायरेक्टली पेंडास को इंपोर्ट कर सकते हो बाई यूजिंग द स्टेटमेंट इम्पोर्ट पेंडास एज ए PD. अब क्या करना है कि हमें इस मार्क्स जो टेबल थी, जो रिजल्ट टेबल थी, उसको हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मार्क्स UT, यानी मार्क्स UT एक वेरिएबल लिया, जो क्या करे, एक लिस्ट हम लोगों ने यहाँ से क्रिएट कर ली. तो पहला कॉलम हो जाएगा नेम, पहला कॉलम हो गया नेम का. नेम में हमारे पास में वैल्यूज गिवन है रमन, यानी इसको 3 टाइप क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रमन के तीनों टेस्ट के हमें मार्क्स स्टोर करने हैं, तो 3 बार रमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बार यहाँ पे राइट करेंगे. तो यानी नेम में पहले क्या होंगे, 3 टाइम्स ऑफ रमन, फिर 3 टाइम्स ऑफ जुएर, फिर 3 टाइम्स ऑफ ऐश्वर्य और 3 टाइम्स ऑफ मिस्टी. ये तो हो गए हमारे नेम ऑफ स्टूडेंट. फिर कोमा,
कॉमा लगाने के बाद भी यूनिट टेस्ट को हमने कंटेन करना है, तो यूनिट टेस्ट की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ तक हो गया पहला 1 2 3, फिर अगेन हमारे पास है 1 2 3, तो नेक्स्ट हो गया फिर 1 2 3, फिर अगेन हमारे पास में 1 2 3, नेक्स्ट हो गया 1 2 3 और लास्ट हो गया 1 2 3। यानी हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे क्लास में 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट्स के अलग अलग यूनिट टेस्ट को हमने यूटी सीरीज में हमने स्टोर कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट सीरीज हम बनाएंगे मैथ्स की, तो मैथ्स के सारे मार्क्स होंगे वो हमने सेव कर दिया, तो मैथ्स सीरीज हो गई और उसके सारे मार्क्स हर स्टूडेंट के तीनों यूनिट टेस्ट में जो भी मार्क्स आए वो हमने क्या कर दिया, इनको रो फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। फिर कोमा लगा के सेकेंड सीरीज हम बनाएंगे साइंस की, तो इसमें हम लोगों ने साइंस के सारे मार्क्स को स्टोर कर दिया। फिर नेक्स्ट सीरीज हम लोगों ने बना दी एसएसटी की, तो इसकी क्या होगा हमारे एसएसटी के मार्क्स को कंटेन करेगी। फिर नेक्स्ट सीरीज हमने क्रिएट कर दी हिंदी, ये सीरीज हिंदी के सब्जेक्ट के मार्क्स को कंटेन करेगी। और लास्ट सीरीज हमने बना दी इंग्लिश की, तो ये हमारी क्या होगी यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट होगी, या आप इसको हम बोल सकते हैं ये हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट होगी। डिक्शनरी में क्या होता है की वैल्यू पेयर होता है, तो इसको हम डिक्शनरी बोल सकते हैं। ये हमारी क्या एक डिक्शनरी होगी, ये हो गई नेम हो गया की, ये हो गई इसकी सारी वैल्यूज। उसी तरीके से यूटी हो गया की, ये उसकी वैल्यूज हो गई। मैथ्स हो गया की, उसके बाद में उसकी वैल्यूज हो गई। साइंस हो गया की, उसके बाद में उसकी वैल्यूज हो गई। तो हमने लोगों ने क्या किया यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस डिक्शनरी को हमें क्या करना है डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पेंडाज ऑब्जेक्ट और डेटा फ्रेम फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो मैंने लिखा डीएफ, डीएफ एक वेरिएबल हो गया जो डेटा फ्रेम को कंटेन करता है, इक्वल टू पीडी, पीडी हो गया पेंडाज ऑब्जेक्ट। जब हमने पेंडाज को इम्पोर्ट किया था तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इम्पोर्ट पेंडाज एज ए पीडी, तो पीडी हो गया पेंडाज ऑब्जेक्ट डॉट। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए फंक्शन काम लेते हैं डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में हम क्या करें पैरामीटर पास करवाएंगे जिसको हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास में डिक्शनरी है कौन सी है मार्क्स यूटी, तो मार्क्स यूटी को हम लोगों ने क्या कर दिया पैरामीटर के रूप में पास कर दिया। अब क्या होगा जो हमारी मार्क्स यूटी जो डिक्शनरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस डेटा फ्रेम को हम लोगों ने क्या करवा दिया प्रिंट करवा दिया। ओके स्टूडेंट, तो अब लेते तक हमने लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने रिजल्ट स्टूडेंट की रिजल्ट टेबल थी, क्लास के 4 स्टूडेंट थे और उनके 5 सब्जेक्ट थे और 3 यूनिट टेस्ट हुए हैं, तो उन सबको हम लोगों ने क्या कर दिया सबसे पहले डिक्शनरी के रूप में क्रिएट कर दिया। डिक्शनरी बनाने के बाद में डिक्शनरी को हम लोगों ने क्या कर दिया डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके प्रिंट डीएफ, प्रिंट इस डेटा फ्रेम डीएफ जो वेरिएबल था जो डेटा फ्रेम की वैल्यू को कंटेन कर रहा है उसको हमने प्रिंट करवा दिया। जैसे हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास में क्या होगी डेटा फ्रेम होगी इस फॉर्मेट में होगी। डेटा फ्रेम में क्या होते हैं कॉलम लेबल और रो लेबल होते हैं। रो लेबल बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होते हैं 0 से, और यहाँ पे हमने कॉलम लेबल क्या लिए यूजर डिफाइन लिए, यानी हमने लेबल इंडेक्स को काम में लिया। ये हमारे कॉलम लेबल हो गए नेम ड्यूटी मैथ साइंस एसएसटी हिंदी और इंग्लिश, क्या हो गए हमारे कॉलम लेबल्ड हो गए। तो इस तरीके से हमें क्या होगी ये डेटा फ्रेम हो गई टेबल के रूप में शो हो रही है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया डेटा फ्रेम में। अब इस डेटा फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस फीचर्स हैं डेटा फ्रेम पे, एडवांस ऑपरेशन है उनको हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स आर यूज टू समराइज द गिवन डेटा, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को यूज में लेंगे इन डेटा को समराइज करने के लिए। समराइज का मतलब उसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर हम लोग क्या करेंगे डेटा को सॉर्ट करेंगे। इन अदर वर्ड्स दे रेफर टू द मेथड विच आर यूज टू गेट सम बेसिक आइडिया अबाउट द डेटा, यानी हम क्या करेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि हम कुछ ऐसे एडवांस मेथड अप्लाई करेंगे जो हमारे पास डेटा की बेसिक इन्फॉर्मेशन वो हमें शो करेंगे। क्योंकि टेबल हो गए, इस टेबल में किसी भी एक डेटा को अगर आपको कहा जाए कि ग्रेटर डेटा फाइंड आउट करो स्मॉलर डेटा फाइंड आउट करो किसी कॉलम में, तो आपको क्या करना होगा वन बाय वन सर्च करना होगा। लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं डायरेक्टली डेटा में क्या कर सकते हैं कितने भी डेटा हो डेटा की अगर संख्या ज्यादा होगी तो हम लोग आसानी से भी इनको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, और डेटा की संख्या कम होगी तब भी हम इनको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक मेथड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन डेटा फ्रेम। अब हम थोड़ी सी क्या करेंगे इस चैप्टर में हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे, थोड़ी मैथ्स आएगी आपके, स्टैटिक्स आएगी जो इकोनॉमिक्स में होती है और ऐसे मैथ सब्जेक्ट भी होता है, तो थोड़ी सी स्टैटिक्स पढ़ेंगे सिर्फ बेसिक आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे इस चैप्टर में सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले ही अप्लाई करने वाले हैं। तो जो ये जो डाटा फ्रेम थे डेटा फ्रेम पे हम क्या करेंगे स्टैटिक्स मेथड अप्लाई करके हमारे क्या करेंगे आउटपुट टेबल या आउटपुट हम जनरेट करेंगे। देर आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक मेथड दैट कैन बी अप्लाइड टू डेटा फ्रॉम, देर आर मैक्सिमम मिनिमम काउंट सम मेन मीडियन मोड क्वार्टाइल और वेरियंस। हम लोग क्या करेंगे टोटल ये ऑपरेशन हमारे पास पहला हम ऑपरेशन क्या करेंगे डेटा फ्रेम पे मैक्सिमम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है कि डेटा फ्रेम के किसी कॉलम या किसी रो में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। दूसरा होगा मिनिमम, तो मिनिमम का मीनिंग क्या हो जाएगा किसी डेटा फ्रेम के किसी रो या कॉलम में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना।
काउंट का मीनिंग होगा डेटा फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ रो या कॉलम में टोटल नंबर ऑफ रो को काउंट करना। सम सम का मीनिंग आप जानते हो कि सम फाइंड आउट करना, या तो रो का सम फाइंड आउट करेंगे या कॉलम का सम फाइंड आउट करेंगे। फिर हम उसका क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे, फिर हम उसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका मोड को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसका क्वार्टाइल करेंगे और फिर इसका वेरियंस करेंगे। ये इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यू, यानी हम डेटा फ्रेम में से मैक्सिमम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट मैक्स इज यूज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द डेटा फ्रेम, यानी डेटा फ्रेम में से किसी डेटा फ्रेम में आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये मैक्सिमम वैल्यू किसके अकॉर्डिंग होगी, कॉलम्स के अकॉर्डिंग होगी, ना कि रो के अकॉर्डिंग होगी। डेटा फ्रेम डॉट मैक्स इज फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यूज फ्रॉम द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको उस डेटा फ्रेम का नेम डॉट मैक्स फंक्शन को अप्लाई करोगे, वहां से आपको उस डेटा फ्रेम की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी रिगार्डलेस ऑफ इट्स डेटा टाइप। अब क्या होगा, जब भी हम मैक्सिमम फंक्शन को अप्लाई करेंगे डेटा फ्रेम में, तो ये नहीं देखेगा कि डेटा फ्रेम में जो कॉलम है उन कॉलम का डेटा टाइप क्या है। अगर स्ट्रिंग होगा तब भी उनमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी, अगर डेटा फ्रेम कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर होगा तो भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर देगा, और अगर डेटा फ्रेम का डेटा टाइप कॉलम का डेटा टाइप अगर फ्लोट होगा तो भी उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को ये फाइंड आउट करेगा। यानी यहाँ से कोई मीनिंग नहीं है कि डेटा फ्रेम में कॉलम के डेटा टाइप अलग अलग है तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम किसी भी कंडीशन में हम डेटा फ्रेम में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से उसके डेटा टाइप का कोई भी मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया था, प्रिंट डी एफ डॉट मैक्स, यानी हमारी जो अभी हम लोगों ने डेटा फ्रेम जो क्रिएट की थी डी एफ डेटा फ्रेम, ये हमारी क्या थी, डी एफ डेटा फ्रेम थी। इस डेटा फ्रेम में हम लोग क्या करें, मैक्सिमम वैल्यू को काउंट करें, तो हमने लिखा डी एफ डॉट मैक्स, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू काउंट करनी है। तब ये क्या हो गया, मैक्स फंक्शन है वो पूरी डेटा फ्रेम पे अप्लाई हो गया। पूरी डेटा फ्रेम में अप्लाई होने का मतलब क्या हो गया, इस डेटा फ्रेम के सभी कॉलम पे अप्लाई होगा। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, नेम, तो नेम में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, नेम में से मैक्सिमम वैल्यू अभी जुहेर की है, यानी ये सबसे बड़ी स्ट्रिंग है, तो इसका सबसे पहले आउटपुट क्या हो जाएगा, नेम में जुहेर। ओके, फिर उसके बाद में इनमें से सेकंड कॉलम है यूटी, तो यूटी में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, थ्री, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री। फिर उसके बाद में मैथ्स कॉलम है, मैथ्स कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैथ्स कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू होगी 24। इसी तरीके से साइंस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है 25, तो 25 इसका आंसर हो गया। एसएसटी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 25, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। हिंदी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 25 इसका आंसर आ गया। इंग्लिश कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 24 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 24। तो ये हो गया पहला मेथड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम डेटा फ्रेम। आपको सिर्फ एक सिंपल एक लाइन याद रखनी है कि किसी डेटा फ्रेम में से मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फंक्शन अप्लाई करेंगे डेटा फ्रेम डॉट मैक्स। डेटा फ्रेम का मतलब हो गया उस डेटा फ्रेम का नाम, यहाँ पे लिखा हुआ ना डेटा फ्रेम डॉट मैक्स, तो इसमें डेटा फ्रेम का मतलब क्या हो गया, उस डेटा फ्रेम का नाम जिसपे आप ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हो। तो हमारे पास डेटा फ्रेम का नेम था डी एफ, हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है, तो डेटा फ्रेम का नाम होगा डी एफ डॉट मैक्स फंक्शन को हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। तो ये क्या करेगा, उस डेटा फ्रेम के इस कॉलम में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेगा, यानी डेटा फ्रेम के हर कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। ये कभी भी चेक नहीं करेगा कि उस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, डिस्टिंग होगा तो भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी, इंटीजर होगा तो भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी, फ्लोट होगा तो भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट है, इफ यू वॉन्ट टू आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू फॉर द कॉलम हैविंग ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज। देखो जैसे आप मैंने कहा है कि आपको सिर्फ कॉलम्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको इस नेम वाले कॉलम में से यानी स्ट्रिंग की से मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी है। इफ यू वॉन्ट टू आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू फॉर द कॉलम हैविंग न्यूमेरिक वैल्यूज, यानी हमें उन्हीं कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो सिर्फ न्यूमेरिक यानी नंबर्स को कंटेन करते हैं, देन वी कैन सेट द पैरामीटर। तब हमें क्या करेंगे, इस मैक्सिमम फंक्शन में एक पैरामीटर पास करवा देंगे, numeric underscore only equal to true in the mix function। okay, जब आपको उन्हीं कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को कंटेन करते हैं, यानी स्ट्रिंग वैल्यू में से आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फंक्शन में एक पैरामीटर पास करवा देंगे, दैट इज न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इक्वल टू ट्रू। यानी न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली ट्रू का मतलब क्या होगा, ऐसा कॉलम जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही कंटेन कर रहा है, ये कंडीशन जिसके लिए ट्रू होगी उसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जिस कॉलम के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा प्रिंट डी एफ, ये हमारी डेटा फ्रेम थी, डॉट मैक्स फंक्शन हमने अप्लाई किया, मैक्स फंक्शन में हमने पैरामीटर पास करवा दिया न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इक्वल टू ट्रू, यानी हमें आप उन्हीं कॉलम में
कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को कंटेन करते हैं, ऐसे कॉलम जिनमें वैल्यू है वो स्ट्रिंग या करेक्टर होगी उनमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। तो उस कंडीशन में हमारी आउटपुट टेबल में से सिर्फ ओनली एक डाटा रिमूव हो जाएगा, दैट इज नेम जुहे। यानी क्यों? क्योंकि इस कॉलम में सारी वैल्यू क्या स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन्हीं कॉलम के लिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें जिनमें न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू, यानी जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही कंटेन करते हैं, बाकी आउटपुट रहेगा वो सेम रहेगा। ओके स्टैंड, उसके बाद में नेक्स्ट एक प्रोग्राम हम स्टडी करते हैं। राइट द स्टेटमेंट टू आउटपुट द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट इन यूनिट टेस्ट सेकंड। अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि हर स्टूडेंट्स के सेकंड यूनिट टेस्ट में जो सेकंड यूनिट टेस्ट है हुआ है, उस सेकंड यूनिट टेस्ट में से हर स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स हमें काउंट करें, मैक्सिमम मार्क्स का मतलब है हर सब्जेक्ट में उसने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, वो मैक्सिमम मार्क्स हमें क्या करने हैं, प्रिंट करवाने हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास इसने कंडीशन दे दी कि आपको ओनली यूनिट टेस्ट सेकंड के ही मार्क्स है वो प्रिंट करवाने हैं। इसने कहा है राइट द स्टेटमेंट टू आउटपुट द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट इन यूनिट टेस्ट सेकंड, यानी सेकंड यूनिट टेस्ट में हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने कितने मैक्सिमम मार्क्स अचीव किए हैं वो हमें सिर्फ प्रिंट करवाने, ओनली सेकंड टेस्ट के। तो इस कंडीशन में हमारे पास में एक कंडीशन दे दी कि यूनिट टेस्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए। इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे? तो इसके लिए हमने एक डेटा फ्रेम बना दी, डीएफ यूनिट टेस्ट सेकंड। डीएफ डेटा फ्रेम तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, तो हमने एक वेरिएबल और ले लिया यहाँ पे डीएफ यूनिट टेस्ट सेकंड, इसको लिखा डीएफ यूटी टू। डीएफ यूटी टी का मीनिंग सिंपल सा मीनिंग हो गया डेटा, डीएफ तो होगी डेटा फ्रेम और यूटी यूनिट टेस्ट सेकंड। तो हमने एक डेटा फ्रेम बना दी डीएफ यूटी टू इक्वल टू डीएफ, डीएफ डेटा फ्रेम में मैंने लगा दिया डीएफ डॉट यूटी इक्वल टू टू, यानी जो डीएफ डेटा फ्रेम है उसमें यूनिट टेस्ट की वैल्यू ट्रू है, उसी कंडीशन में जिस यूनिट टेस्ट की वैल्यू टू होगी उन्हीं के डेटा को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, बाकी के डेटा को रिमूव कर देगा। फिर हमने क्या कर दिया, इस डीएफ यूनिट टेस्ट सेकंड को हमने प्रिंट करवा दिया, इस डेटा फ्रेम को हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। तो जैसे इसको प्रिंट करवाएंगे तो सेकंड यूनिट टेस्ट के डेटा का मतलब क्या हो गया, पहले होंगे इसके इंडेक्स नंबर, फिर होंगे इनके नेम, नेम में फोर स्टूडेंट हमारे पास में तो रमन, जुहेर, ऐश्वरी और मिस्टी, यूनिट टेस्ट सेकंड हो गए, हर सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे पास में प्रिंट हो गए। तो ये हमारी कौन सी डेटा फ्रेम होगी, डीएफ यूनिट टेस्ट यूटी सेकंड डेटा फ्रेम थी, उसको हमने प्रिंट कर लिया। यानी हमने कंडीशन लगा दी डीएफ डॉट यूटी इक्वल टू टू, यानी ओनली सेकंड यूनिट टेस्ट के डाटा है वो उनको हमने ट्रांसफर करवा दिया एक नई डेटा फ्रेम डीएफ यूटी टू में, और उस डीएफ यूटी टू डेटा फ्रेम को हमने प्रिंट करवा दिया। अब क्या करना है हमें, जो हमारी डीएफ यूटी सेकंड डेटा फ्रेम आई है, इस सेकंड डेटा फ्रेम में से हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, यहाँ पे हमने लोगों ने लिख दिया प्रिंट डीएफ, ये स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट स्लैश एन मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट इन यूनिट टेस्ट सेकंड। ये तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया ताकि हमें यहाँ से आइडेंटिफाई हो सके आउटपुट में कि हम लोग किसका आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमें क्या करेगा, सिर्फ एक यूजर के लिए एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवा दिया, जैसे हम कमेंट्स होते हैं उसी तरीके से कॉन्स्टेंट स्टेटमेंट होगा तो एच एच स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो इसको लिखा हमने मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट इन यूनिट टेस्ट सेकंड टू स्लेशन स्लेशन, फिर आगे प्रिंट करवाया डी एफ यू टी टू डॉट मैक्स न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू टू, यानी डी एफ यू टी टू जो डेटा फ्रेम थे उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा और उस कॉलम के लिए फाइंड आउट करेगा जिसके लिए न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू कंडीशन है वो राइट होती है, यानी ऐसे कॉलम जो सिर्फ ओनली न्यूमेरिक वैल्यू को कंटेन कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट करवा देगा डेटा फ्रेम यूनिट टेस्ट सेकंड से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो फर्स्ट डेटा फ्रेम है नेम, फर्स्ट कॉलम है नेम, तो नेम में क्या होता है न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू कंडीशन फॉल्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि नेम में जो वैल्यू से वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है न्यूमेरिक ओनली, यानी नंबर्स नहीं है, ये क्या स्ट्रिंग है, तो इसके लिए कंडीशन फॉल्स होगी तो नेम वाले कॉलम को ये छोड़ देगा। सेकंड कॉलम था हमारे पास यूटी, यूटी कॉलम में क्या था न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू, यानी यूटी कॉलम में ओनली न्यूमेरिक वैल्यू है तो कंडीशन ट्रू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है टू, तो पहला आउटपुट हो जाएगा यूटी, यूटी की वैल्यू होगी टू। फिर सेकंड कॉलम होगा मैथ्स, मैथ्स में न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू कंडीशन ट्रू होती है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 24, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 24। इसी तरीके से साइंस कॉलम के लिए कंडीशन ट्रू होती है न्यूमेरिक ओनली, तो न्यूमेरिक ओनली कंडीशन ट्रू होने मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 22, तो इसका आंसर होगा साइंस का 22। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास में एसएसटी, एसएसटी में भी न्यूमेरिक ओनली कंडीशन ट्रू होती है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 24, तो इसका आउटपुट हो गया, सॉरी एसएसटी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है 25, तो इसका आंसर हो गया 25। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास में हिंदी, हिंदी कॉलम में भी न्यूमेरिक ओनली कंडीशन ट्रू होती है तो मैक्सिमम वैल्यू है 25, तो इसका आंसर भी होगा 25। नेक्स्ट कॉलम हो गया हमारे पास में इंग्लिश,
इंग्लिश में भी मैक्सिमम न्यूमेरिक ओनली कंडीशन ट्रू होती है तो इसका आउटपुट हो गया 24। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम में किसी कंडीशन के आधार पर भी हम डेटा फ्रेम में डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं या उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या हम कंप्लीट डेटा में से भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन था हमारा मैक्स, इसको हम लोग लिखते हैं डेटा फ्रेम डॉट मैक्स, ब्रैकेट में ब्लैंक रखेंगे, उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगी जो कंप्लीट डेटा फ्रेम होगी उसमें से मैक्सिमम वैल्यू काउंट करेगा, उसमें जितने भी कॉलम होंगे उन सब कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू काउंट करेगा, चाहे कॉलम का डाटा टाइप करेक्टर हो चाहे स्ट्रिंग हो चाहे नंबर हो। ओके, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये थी, अगर करेक्टर होंगे तो भी उनमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा, स्ट्रिंग होंगे तो भी उनमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। सेकंड कंडीशन ये कि हम सिर्फ ओनली न्यूमेरिक वैल्यू को ही आउटपुट में प्रिंट करना चाहते हैं, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू में से हमें मैक्सिमम वैल्यू काउंट करनी है, तो उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे जो मैक्स फंक्शन होगा उसके अंदर पैरामेट्रिक रूप में पास करवा देंगे न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू, यानी उन्हीं कॉलम के लिए न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करवाएंगे जिन जो क्या करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू को कंटेन करते हैं। जब आपको सिर्फ ओनली न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करवानी तो उस कंडीशन में पैरामीटर में पास करवा देंगे न्यूमेरिक ओनली ट्रू। ये सेकंड कंडीशन थी मैक्स की। मैक्स की थर्ड कंडीशन क्या है कि जब आपको ये बोला जाए कि आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर आपको क्या करना है डेटा फ्रेम में से मैक्सिमम वैल्यू काउंट करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस डेटा फ्रेम में वो कंडीशन लगा के एक नई डेटा फ्रेम बना देनी है। यानी हमारे पास में डेटा फ्रेम थी, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि सेकंड यूनिट टेस्ट के डाटा चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं सेकंड यूनिट टेस्ट के डेटा को इसे फिल्टर कर लेते हैं, यानी उसको एक नई डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नई डेटा फ्रेम बना दी DFUT2 और इसमें किस में अप्लाई कर दिया, हमारी पहले जो डेटा फ्रेम थी वो DF थी, तो मैंने लिखा DF.UT second, यानी अगर DF.UT == second, यानी जिस यूनिट टेस्ट की वैल्यू सेकंड होगी उन सबके डेटा को मैंने प्रिंट करवा दिया, तो ये मेरे पास में क्या हो गई DF UT2 second डेटा फ्रेम आ गई। फिर उस डेटा फ्रेम में मैंने क्या कर दिया .max DF प्रिंट करवा दिया, printf DFUT2 dot max ब्रैकेट में न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू, ओनली न्यूमेरिक पे हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब जब एक चीज ध्यान देने हो गया, पहले हम लोगों ने जब हमने इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाया था स्टार्टिंग में, तो इस डेटा फ्रेम में इंडेक्स नंबर थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये रो के इंडेक्स नंबर थे, कॉलम के इंडेक्स नंबर है नेम, यूटी, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमने एक कंडीशन लगाई कि हमें सिर्फ ओनली सेकंड यूनिट टेस्ट के डेटा चाहिए, उस कंडीशन में देखो ये इंडेक्स वैल्यू है रो की वो चेंज होगी 1, 4, 7, 10, ये कंटिन्यूस क्यों नहीं है, ये कंटिन्यूस इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे डेटा को फिल्टर किया है, यानी ओनली सेकंड यूनिट टेस्ट के डेटा को हम लोगों ने क्या कहते हैं एक नई डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी ओरिजिनल डेटा बेस है उससे हमने जो हमारी ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उससे हमने एक सब डेटा फ्रेम बनाई है, उसका एक पार्ट बनाया, तो उस कंडीशन में क्या होंगे इसके रो लेबल है वो चेंज नहीं है, हम आगे चल के इनके रोल लेबल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, सेकंड यूनिट टेस्ट की वैल्यू कौन कौन सी थी, जस्ट वेट, आपके सिलेबस एग्जाम टेस्ट में सिर्फ दो ही चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड, एक एसक्यूएल वाला से दूसरा है पेंडास का इंट्रोडक्शन फर्स्ट है, सिर्फ ओनली दो ही चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया था, सेकंड यूनिट टेस्ट के डेटा को फिल्टर किया था। देखो पहले सेकंड यूनिट टेस्ट का डाटा है वो रो इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो पहला का इंडेक्स नंबर 1 हो गया। फिर सेकंड यूनिट टेस्ट के डाटा है वो इंडेक्स रो इंडेक्स नंबर 4 पे है, तो 1 के बाद में 4 आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डेटा है वो इंडेक्स नंबर 7 पे है, तो रो के इंडेक्स नंबर 7 आ गया। नेक्स्ट डेटा है वो इंडेक्स नंबर 10 पे है, तो इसका 10 आ गया, यानी 1, 4, 7, 10। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो डेटा फ्रेम प्रिंट हो रही है उसका इंडेक्स नंबर 1, 4, 7, 10। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा डेटा फ्रेम में से मैक्सिमम वैल्यू को काउंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट द मैक्स मेथड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम। अगर आप देखो बाय डिफॉल्ट मैक्स फंक्शन होगा उसमें अगर आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, कौन सा पैरामीटर, ओनली न्यूमेरिक ओनली को छोड़कर उसके अलावा अगर आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू को काउंट करेगा। ठीक है, विच मीन्स एक्सिस इक्वल टू 0, यानी जब हमने ओनली कॉलम के लिए मैक्सिमम, जब हम डायरेक्ट मैक्स फंक्शन को अप्लाई करें तो उस कंडीशन में वहां पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होता है एक्सिस इक्वल टू 0, और अगर आप एक्सिस इक्वल टू 1 कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो रो में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। ओके स्टूडेंट, तो मैक्स फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, दो पैरामीटर काम मिलेंगे। पहला पैरामीटर जब आपको न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करवाना, तब आप लिखोगे न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इक्वल टू ट्रू कॉमा, फिर उसके बाद में आपको डिफाइन करना है कि आपको रो में से मैक्सिमम वैल्यू काउंट करें, कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू काउंट करें। अगर आपने लिखा है
एक्सिस इक्वल टू जीरो तो वो कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा, अगर आपने लिखा है एक्सिस इक्वल टू वन तो वो क्या करेगा रो में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेगा, और अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो उस कंडीशन में बाय डिफॉल्ट क्या करेगा कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। ओके तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कॉलम में रो में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है df डॉट मेक एक्सिस इक्वल टू वन, यानी df डेटा फ्रेम में से मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मैं लिखा df डॉट मेक एक्सिस वन, यानी अब क्या कर रहा हूं मैं रो में से मैक्सिमम वैल्यू को काउंट कर रहा हूं, यानी df जो डेटा फ्रेम थी उसकी हर रो में से मैक्सिमम वैल्यू काउंट कर रहा हूं। तो उस कंडीशन में क्या होगा सिर्फ रो के इंडेक्स नंबर और उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आउटपुट में आएगी। तो हम देखते हैं जब मैंने कैसे स्टडी में जो डेटा फ्रेम बनाई थी। ओके देखो फर्स्ट रो इंडेक्स नंबर है जीरो, जीरो में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 22, तो पहले इंडेक्स नंबर 0 रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम वैल्यू 22 को। सेकंड रो इंडेक्स नंबर है 1, 1 में जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है 24, तो 124 सेकंड हो जाएगा। 2 इंडेक्स नंबर सेकंड, इंडेक्स नंबर सेकंड में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 24, तो इसका आंसर भी 24 होगा। इंडेक्स नंबर 3, रो इंडेक्स नंबर 3 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 24, तो इसका आंसर भी 24 होगा। इसी तरीके से क्या करेंगे 1 बाई हर रो के जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरामीटर एक्सिस इक्वल टू 1। ये आपको ध्यान में रखना होगा जब मिक्स फंक्शन में अप्लाई करें, तो मिक्स फंक्शन में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ एक्सिस इक्वल टू 0 या एक्सिस इक्वल टू 1 नहीं लिखा हुआ, उस कंडीशन में क्या करेगा कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। यदि एक्सिस इक्वल टू 1 लिखा हुआ तो उस कंडीशन में क्या करेगा रो में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। तो ये हमारा क्या था एडवांस फीचर में पहला फंक्शन था किसी डेटा फ्रेम में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना। ओके स्टूडेंट सेकेंड हम स्टडी करते हैं कैलकुलेटिंग मिनिमम वैल्यू। सेकेंड हमारा फंक्शन है मिन फंक्शन, किसी डेटा फ्रेम में से मिनिमम वैल्यू को हम कैसे काउंट करेंगे। तो डेटा फ्रेम डॉट मिन फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द डेटा फ्रेम, यानी किसी डेटा फ्रेम में से अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस डेटा फ्रेम का मतलब उस डेटा फ्रेम का नेम डॉट मिन फंक्शन को आपको उसको अप्लाई करना है। इज यूज टू डिस्प्ले द मिनिमम वैल्यूज फ्रॉम द डेटा फ्रेम, किसी डेटा फ्रेम में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फंक्शन काम लेंगे डेटा फ्रेम डॉट मिन रिगार्डलेस ऑफ द डेटा टाइप। ये भी डिपेंड नहीं करता कि उस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, अगर स्ट्रिंग होगा तो उसकी भी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर देगा, करेक्टर होगा तो भी उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर देगा, अगर फ्लोट होगा तो भी उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी, इंटीजर होगा तो भी उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी। यानी ये फंक्शन है वो ये कभी चेक नहीं करेगा उस कॉलम का डेटा टाइप क्या है। ओके इट शोज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम और रो, द फॉलोइंग लाइन कोड आउटपुट विल द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच डेटा फ्रेम, एंड डेटा फ्रेम हम अप्लाई करते हैं। मैंने लिखा है प्रिंट df डॉट मिन, मेरी डेटा फ्रेम थी df, उसमें मैंने क्या करवा दिया मिन फंक्शन को अप्लाई करके उसको क्या करवा दिया प्रिंट करवा दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा पहला कॉलम था नेम, नेम में सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो svd होगी, ये वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ASCII कोड की सहायता से, यानी कंप्यूटर में डाटा होते हैं बाइनरी कोड में से होते हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा उसको ASCII कोड में चेंज करके उसके अकॉर्डिंग इसकी मिनिमम वैल्यू को करेक्टर की मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट करता है। तो ये इसका इंटरनल प्रोसेसर होगा कि इसकी मिनिमम इसने कैसे फाइंड आउट किया है स्ट्रिंग में। दूसरा कॉलम था यूटी में मिनिमम वैल्यू 1 थी तो 1 प्रिंट करवा दिया। जो थर्ड कॉलम था मैथ्स, तो मैथ्स की मिनिमम वैल्यू 12, साइंस कॉलम की मिनिमम वैल्यू 15 है, SST कॉलम की मिनिमम वैल्यू 15 है, हिंदी कॉलम की मिनिमम वैल्यू 15 है और इंग्लिश कॉलम की मिनिमम वैल्यू 13 है। तो यहाँ से क्या करेगा ये हर कॉलम की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर देगा। अब वही सेम मेथड है, अगर आपको इस आउटपुट टेबल में ओनली आपको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पैरामीटर पास करवाएंगे। कौन सा पैरामीटर पास करवाएंगे, यहाँ से हम लोग पैरामीटर पास करवाएंगे न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू। अगर ये हम मिन फंक्शन में अगर हम लोगों ने पैरामीटर पास करवा दिया न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इक्वल टू ट्रू, अगर आपने मिन फंक्शन में पैरामीटर पास करवा दिया तो सिर्फ ये ओनली न्यूमेरिक वैल्यू में से ही मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू को ये छोड़ देगा। ओके नेक्स्ट हमारे पास है अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन है, राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय ए पर्टिकुलर स्टूडेंट मिस्ट्री इन ऑल यूनिट टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कोई स्टूडेंट है मिस्ट्री उसने सभी यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स अचीव किए हैं उनमें से उसके मिनिमम मार्क्स हमें प्रिंट कराने हैं। तो क्या होंगे ये यूनिट टेस्ट वाइज होंगे, यानी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके सारे सब्जेक्ट के मिनिमम मार्क्स, फिर सेकंड यूनिट टेस्ट में उसके सारे सब्जेक्ट में से मिनिमम मार्क्स, फिर थर्ड यूनिट टेस्ट में से सारे सब्जेक्ट में से यूनिट टेस्ट के उसके मार्क्स प्रिंट कराने हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमारे पास एक कंप्लीट डेटा फ्रेम है वो df है, और उस डेटा फ्रेम df में से सिर्फ ओनली मिस्ट्री से रिलेटेड डेटा को हमें क्या करना है फिल्टर करना है। तो मैंने एक डेटा फ्रेम बना दी df mystery इक्वल टू df। डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम फंक्शन काम लेते हैं df.loc। loc मेथड क्या होता है,
स्टूडेंट को स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज एलओसी। डॉट एलओसी का मीनिंग क्या होता है, हमने सेकंड फ्रेम में डेटा फ्रेम को स्टडी किया है। इंडेक्सिंग, डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने इंडेक्सिंग काम में लिया था, और लेबल इंडेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं डॉट एलओसी फंक्शन यूज लेते हैं इंडेक्सिंग के लिए। तो मैंने लिखा df डॉट एलओसी, df मेरी डेटा फ्रेम थी, डॉट एलओसी फंक्शन अप्लाई करते हैं उसमें मैंने लिखा df.name equal to mist channels डेटा फ्रेम में नेम कॉलम जिसकी वैल्यू मिस्टी होगी उन सबके डेटा को क्या कर देगा, ये ट्रांसफर कर देगा नई डेटा फ्रेम df मिस्टी, और इस नई डेटा फ्रेम df मिस्टी को मैंने यहाँ से क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। जब इस डेटा फ्रेम को मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ओनली मिस्टी से रिलेटेड डेटा वो प्रिंट हो गए, सारे नेम हो गया, ये तो हो गए उसके रो के लेबल नंबर, रो के इंडेक्स नंबर 9, 10, 11, मिस्टी की डाटा नेम हो गया, मिस्टी यूनिट टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और हर इन स्टेट में इस सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट हो गए। अब मुझे क्या करना है, इन सारे डाटा में से सिर्फ ओनली हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैंने लिखा प्रिंट मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय द मिस्टी इन इज सब्जेक्ट अक्रॉस द यूनिट टेस्ट, यानी ये एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया कि मिस्टी के द्वारा हर सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए उसको मिस्टर हम क्या करें मिनिमम मार्क्स को प्रिंट करवा रहे। फिर मैंने लिखा df mist स्ट्रिंग है, अब उसमें से आप कौन कौन से कॉलम मिस है, यहाँ से मैं पर्टिकुलर कॉलम पे क्या कर रहा हूँ मिनिमम फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, तो कौन कौन से कॉलम पे आप मिनिमम फंक्शन अप्लाई कर रहे हो उनको आप क्या कर दो कि नंपाई एरे के रूप में कन्वर्ट कर दो। तो कौन कौन से कॉलम हो गए, मैथ्स हो गया तो मैथ्स कोमा साइंस कोमा एसएसटी कोमा हिंदी कोमा इंग्लिश और डॉट मिन अप्लाई कर दिया। तो डॉट मिन का मतलब क्या करेगा, इन सभी कॉलम से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। तो पहला हो गया मैथ्स कॉलम में मिनिमम वैल्यू 15, तो आंसर हो गया 15। सेकेंड कॉलम था साइंस कॉलम में मिनिमम वैल्यू 18, तो इसका आंसर हो गया 18। थर्ड कॉलम था एसएसटी कॉलम की मिनिमम वैल्यू 20, तो इसका आंसर होगा 20। नेक्स्ट कॉलम था हिंदी कॉलम की मिनिमम वैल्यू थी 22, तो इसका आंसर होगा 22। और नेक्स्ट कॉलम था इंग्लिश कॉलम की मिनिमम वैल्यू 20, तो यहाँ से इसकी मिनिमम वैल्यू 20 प्रिंट हो गई। ये मेथड था कि हम क्या करते किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर किसी डेटा फ्रेम में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना। जब आपको कंडीशन गिवन हो हमेशा बस एक चीज याद रखना, एक कंडीशन अगर आपको गिवन है तो सबसे पहले उस कंडीशन के आधार पर डेटा फ्रेम को फिल्टर कर लीजिए, यानी फिल्टर करने का मतलब उस कंडीशन से रिलेटेड डेटा फ्रेम को एक नई डेटा फ्रेम में ट्रांसफर कर दीजिए। फिर उस नई डेटा फ्रेम पे आपको क्या करना, ऑपरेशन अप्लाई करना है, चाहे मैक्सिमम हो चाहे वो मिनिमम ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन था मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन हम स्टडी करते हैं, कैलकुलेटिंग सम ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज यानी डेटा फ्रेम की वैल्यूज का सम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए वो सिंपल मेथड हो गया डेटा फ्रेम डॉट सम फंक्शन विल डिस्प्ले द सम ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द डेटा फ्रेम रिगार्डलेस ऑफ इट्स डेटा टाइप। यानी डेटा फ्रेम डॉट सम फंक्शन अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम में हर कॉलम की वैल्यूज का सम फाइंड आउट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट्स डेटा टाइप। का मतलब हो गया ये फंक्शन ये डिपेंड नहीं करता कि उस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, यानी कोई भी डेटा टाइप हो उसका वो सम फाइंड आउट कर देगा। तो डेटा फ्रेम डॉट सम, तो डेटा फ्रेम डॉट सम का मतलब हो गया, डेटा फ्रेम का मतलब हो गया उस डेटा फ्रेम का नाम और डॉट सम फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में डेटा फ्रेम है df है, तो हमने भी क्रिएट किए हैं, तो उसकी मैं क्या करें सम फंक्शन अप्लाई कर दिया df डॉट सम, और इसकी आउटपुट को हम प्रिंट करवाए तो हमने लिखा इसको प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया प्रिंट एट df डॉट सम। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या करेगा df डेटा फ्रेम की हर कॉलम का सम करेगा। तो पहला कॉलम था नेम, तो नेम का सम क्या होगा, देखो स्ट्रिंग है यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग स्ट्रिंग पे सम ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये क्या करेगा सारे जो नेम है नेम कॉलम में जितने भी रोज है हम सबको एक साथ में प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ से देखो रमन थ्री टाइम है, तो थ्री टाइम रमन, थ्री टाइम जुहेर, थ्री टाइम ऐश्वर्या हो गया, यानी वो सारे डाटा को प्रिंट करवा देगा। फिर यूटी यूनिट टेस्ट कॉलम की वैल्यूज हैं पूरे कॉलम की वैल्यूज का सम कर देगा, तो उसका सम आएगा 24। फिर मैथ्स कॉलम के सारी वैल्यूज का सम करेगा तो उसका सम आएगा 231। इसी तरीके से साइंस कॉलम का जब सम करेगा तो उसका सम आएगा 237। एसएसटी कॉलम का जब सम करेगा तो उसका सम आएगा 245। हिंदी कॉलम का जब सम करेगा तो उसका सम आएगा 262। इंग्लिश कॉलम का जब सम करा तो उसका आंसर आ रहा है 246। तो ये क्या कर रहा है डेटा फ्रेम के हर कॉलम का सम फाइंड आउट करना चाहता है। ओके अब नेक्स्ट है वी मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू सम टेक्स्ट वैल्यू। अगर आपको ये जो टेक्स्ट वैल्यूज हैं कैरेक्टर वैल्यूज हैं इनका अगर आपको सम फाइंड आउट नहीं करना है, सो टू प्रिंट द सम ऑफ पर्टिकुलर कॉलम वी नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम इन द कॉल ऑफ फंक्शन सम। यानी अगर आपको कैरेक्टर वैल्यूज का सम फाइंड आउट नहीं करना है, आपको न्यूमेरिक वैल्यू का सम फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा
कि पैरामीटर के रूप में उस कॉलम का नेम पास करवाना है जिसका आप सम फाइंड आउट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से मैं प्रिंट करवा रहा हूँ प्रिंट df marks dot sum, यानी मैं क्या कर रहा हूँ जो df डेटा फ्रेम है उसमें मैंने इंडेक्सिंग लगा दी कि ओनली मार्क्स मैथ सब्जेक्ट ओनली मैथ्स कॉलम के डेटा को मुझे सम निकालना है, तो इसलिए मैंने लिखा प्रिंट df इंडेक्सिंग में लिख दिया मैंने मैथ्स डॉट सम, यानी क्या करेगा ओनली मैथ्स कॉलम के डेटा का सम फाइंड आउट करेगा। यानी जब आपको किसी डेटा फ्रेम में किसी पर्टिकुलर कॉलम का ही सम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे वहां पे उस डेटा फ्रेम में इंडेक्सिंग मेथड और डॉट सम फंक्शन को अप्लाई कर दोगे। प्रोग्राम की मैंने राइट द पाइथन स्टेटमेंट टू प्रिंट द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द रमन इन ईच सब्जेक्ट, यानी इसने कहा कि जो आपकी डेटा फ्रेम है उस डेटा फ्रेम में ओनली रमन जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स को प्रिंट करवाने के लिए इसने कहा है। ओके स्टूडेंट ठीक है टाइम हो गया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।